नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। सरकार बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन तिलौथू प्रखंड के कोड़र गांव में सड़क पर जल जमा होने से ग्रामीण किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि चंद्रपुरा पंचायत के कोड़र गांव के वार्ड नंबर 11 का ये दृश्य है। आइए सुनते हैं लोकल न्यूज 24 के लिए राजू मकोनी की ये खास रिपोर्ट। लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तिलौथू प्रखंड के कोड़र गांव के वार्ड नंबर 11 में उपस्थित हैं। ये देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में क्या कार्य हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नली के बिना सड़क पर ही पानी जमा हो जाता है, जिससे आने जाने में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या इस विषय पर कहते हैं। हमारे यहाँ गंदगी की वजह से आदमी को आने जाने में तकलीफ होता है। यहाँ पर आदमी गाड़ी उड़ी जाता है, गाड़ी भी फंस जाता है या पलटी हो जाता है गाड़ी, आगे वाला जो रास्ता है वो वहाँ पर गाड़ी पलटी हो जाता है। ये बनेगा उसी में जो अगर बनाएंगे उसको जिताएंगे। क्या नाम हुआ फिर? कृष्ण। कहाँ घर है? कोड़ा। रोड के बहुत समस्या दिक्कत बा, नली के हमनी के पानी निकलत नहीं के, झगड़ा होत बा रोड अपना ही में हमनी के झगड़ा होत बा पानी खातिर, कहाँ हमनी के पानी के निकास नहीं के, कने हमनी बहवाएं। अच्छा, नली नहीं खेता ओकरा लेके समस्या बा। हाँ। यहाँ पर झगड़ा लड़ाई होत रहा। हाँ। देखी है यही में हेल के हम जाए के बा वो घर में ढूके के बा हम दे। हाँ। हाँ। जे बनवाई हमने के हम नल लिया बनवा दे ओकरे में। हमारे तो लक्ष्मी देवी नाम बा। कहाँ घर बा? कोड़र में। हाँ।